हाई एवरी वन दिस इज़ वोनेिका आज का टॉपिक है हमारा एक इंडियन वुमेन रिसर्चर हैं जिन्होंने 50 से ज़्यादा फ्रॉग के स्पीशीज़ को डिस्कवर किया है सो दैट इज़ इन डीड एन अचीवमेंट इसके बारे में हम बात करेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर बिकॉज आई फील मेक डिफरेंस चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा इंडियन वुमेन रिसर्चर ओवर 50 स्पीशीज ऑफ फ्रॉक्स प्रिंट मीडिया में भी आपने ये न्यूज़ देखी होगी अब देखिए पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आप बहुत इस तरह की न्यूज हम कवर uh, करते रहते हैं कि नई स्पीशीज डिस्कवर हुई है कभी बटरफ्लाई की कभी फ्रॉक की कभी सम अदर एनिमल आप लोग सोचते होंगे पहली बात ये स्पीशीज क्या है ठीक है बायोलॉजिस्ट का भी इस पर मतभेद चलता रहता है कि स्पीशीज को हमको किस कैटेगरी से डिफाइन करना है कोई दो एनिमल्स आपस में एक जैसे फाइलोजेनेटिक फीचर्स यानी फिजिकल फीचर्स शेयर करते हैं उसको स्पीशीज बोलना है या जो एनिमल्स uh, आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उनको एक स्पीशीज में कंसीडर करना है तो इस तरह का बायोलॉजिस्ट में मतभेद चलता रहता है बट बहुत इजी तरीके से अगर हम समझना चाहें एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में स्पीशीज के डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो वेरिएशंस आप देखते हैं तो हम उनको स्पीशीज बोलते हैं और एक और चीज आप लोग सोचते होंगे कि भाई स्पीशीज नहीं ढूंढ ली तो कौन सी बड़ी बात है इसमें इतना इसको पढ़ने वाली क्या बात है देखिए स्पीशीज़ जैसे जैसे हम नई स्पीशीज़ डिस्कवर करते हैं हम एवोल्यूशन को हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को और अच्छे तरीके से समझ समझने लगते हैं कि आज जो इतनी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे है इतना जो बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करता है ये किस वजह से करता है तो हम इस तरीके से अपने इन्वामेंट को इकोसिस्टम को बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को बहुत सी चीज़ों को जान पाते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है हम स्पीशीज़ ढूंढ भी नहीं पाते उससे पहले ही वो एक्सटिंक्ट हो जाती है तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है नॉलेज जो है वो हमारे हाथ से निकल जाती है इसलिए और ये कोई आसान काम भी नहीं है नए नए स्पीशीज़ को ढूंढना आप देखिए आपने नॉर्मल फ्रॉग देखा होगा कितने डिफरेंट फ्रॉग के डिफरेंट स्पीशीज़ को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो बायोलॉजिस्ट यही पढ़ते हैं अगर कोई जोलॉजी में जैसे आई एम श्योर इनकी डिग्री होगी क्योंकि एनिमल्स में पढ़ रही हैं तो जोलॉजी में भी डिफरेंट डिफरेंट और सब सब्जेक्ट्स आ जाते हैं आप कंपेरिटिव आठवीं पढ़िए आप आर मैनी सेल बायोलॉजी मोलिकुलर बायोलॉजी बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ जाते हैं और एक स्पीशीज़ को दूसरी से अलग करना ये भी एक टास्क है इट्स नॉट ए इजी थिंग कि एकदम इजीली कर लिया तो यहाँ पे यही न्यूज़ है कि ये सोनाली गर्ग इनका नाम है रिसर्चर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से जिन्होंने अराउंड फिफ्टीन न्यू स्पीशीज़ जो फ्रॉग्स किए हैं उनको डिफाइन किया है तीन अलग अलग जगह से इंडिया से श्रीलंका से और इंडोनेशिया से और डॉक्टर गर्ग इंडिया की पहली वुमेन रिसर्चर हैं जो इस तरह के नए फ्रॉग स्पीशीज़ जिन्होंने ढूंढे और साथ में इनको इस अचीवमेंट के साथ साथ एक और अचीवमेंट है कि प्रेस्टिजियस एडवर्ड ओ वल्सन बायोडाइवर्सिटी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप भी इनको मिली है टू वर्क एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तो ये अचीवमेंट्स हैं इनकी और हार्वर्ड में अब ये वर्क करेंगी म्यूजियम ऑफ कंपैरेटिव जूलॉजी इन एफिलिएशन विद डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजी डेफिनेटली ये चीज़ें जो लोग बायो में अपना एकेडमिक्स चला रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हैं कि आप कितना आगे इसमें जा सकते हैं और अब ये जो म्यूजियम है कंपैरेटिव जोआलॉजी का 1859 में इसको इसकी स्थापना की गई थी तो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जगह है जहाँ पे जाके इनको रिसर्च करने का आगे मौका मिलेगा अब रिसर्चर ने कहा है कि ये जो डिस्कवरी है अराउंड फिफ्टी फ्रॉग्स को डिस्कवर किया, किया है अलग अलग स्पीशीज को ये ओवर अ पीरियड ऑफ एट इयर्स इन्होंने किया है फ्रॉम 2014 टू 2021 और इस डिस्कवरी से हमको इंडिया के बारे में ये भी पता चलता है कि कितनी डायवर्सिटी uh, कितनी है कितनी यूनिक इंडिया की बायोडाइवर्सिटी है हम एमेज़ोन फॉरेस्ट के बारे में सुनते हैं बाहर के जंगलों में इंडिया के बाहर वाले जो देश हैं उनके जंगलों की डाइवर्सिटी के बारे में इतना सुनते हैं लेकिन हमारे इंडिया में ही अभी बहुत सी अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें हैं हमारी कंट्री की बायोडाइवर्सिटी ही इतनी है और सबसे ज़्यादा आपको मैं बोलती हूँ वेस्टर्न घाट्स में ही अभी रिसेंटली कितने सारे स्पीशीज़ जो हैं वो डिस्कवर हो रहे हैं अब फ्रॉक्स एक बहुत ही स्मॉल ग्रुप है एनिमल्स का और इनमें भी इतनी सारी डाइवर्सिटी है इसको भी हम यू you know, नो नज़रअंदाज नहीं कर सकते इसके साथ साथ वेस्टर्न घाट्स में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अभी भी बहुत सारे इस तरह के हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पर बहुत बायोडाइवर्सिटी है और अभी भी अनएक्सप्लोर्ड स्पीशीज़ हैं और स्पीशीज डिस्कवर हो सकती हैं अब एम्फेबिन स्पीशीज़ की बात करें तो यहाँ पे अराउंड 430 थर्टी टू फोर फोर्टी एम्फेबिन स्पीशीज़ हैं इंडिया में एक प्रोफेसर बीजू हैं जो मैंटोर भी रहे इनके उन्होंने भी बहुत सारे स्पीशीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है और बहुत बार बायोलॉजी में ऐसा होता है टेक्सोनमिक पजल्स आपकी चलती रहती हैं कि किस नई स्पीशीज़ का नाम क्या रखा जाएगा उसको कौन सी फ़ैमिली में रखा जाएगा कौन से ऑर्डर में रखा जाएगा इस तरह की पज़ल सॉल्व नहीं हो पाती तो इसके साथ साथ सोनाली जो है इन्होंने तीन न्यू जेनरा जो हैं उनको भी डिस्क्राइब किया है और बहुत सारी टेक्सोनमिक पज़ल्स को सॉल्व किया है इनकी रिसर्च लार्जली फ्रॉग्स पे ही थी कि फ्रॉग्स में कितनी यूनिक डाइवर्सिटी इंडिया में है और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स फ्रॉग का डीएनए एन पढ़ के निकाल के उसको स्टडी करके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या हैं पैटर्न्स क्या हैं हिस्टोरिकल और आज प्रेजेंटेड डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हैं तो बहुत ह्यूज वर्क है बायोलॉजी का जिन पे इन्होंने काम किया है तो ये प्रिंट मीडिया में भी आप न्यूज़ देख सकते हैं पहले भी ये इस ये अलग न्यूज़ है वैसे न्यू फ्रॉक स्पीशीज डिस्कवर इन वेस्टर्न कार्ड उसका नाम इन्होंने फॉर्मर ड्यू वाइस चांसलर के नाम पर रखा था इसको भी मैंने कवर किया था पाँच इस तरह की अलग अलग न्यूज़ आती रहती है कि अलग अलग स्पीश uh, डिस्कवर uh, हो रहे हैं क्लास क्या है एम्फिबियंस फ्रॉक की और एम्फिबियन का मतलब क्या होता है फ्रॉक एम्फिबियंस में आते हैं डबल लाइफ डबल लाइफ यानी ये पानी में भी रह लेते हैं लैंड में भी रह लेते हैं तो एडल्ट एम्फिब यूजुअली लैंड पे रहते हैं लेकिन जो एग्स पानी में देते हैं टैटपोल्स बनते हैं तो वो पानी में रहते हैं इसलिए डबल लाइफ लाइफ साइकिल आप फ्रॉग की देख सकते हैं ये एग्स हैं फिर ये एम्ब्रियो फिर टैडपोल बना टैटपोल होगा तो पानी में रहेगा फिर उसके फ्रंट लेग्स आपको दिखने शुरू होंगे फिर धीरे धीरे इस तरह से आपका टैडपोल फ्रॉग बनेगा और देन यू विल हैव योर एडल्ट फ्रॉग तो इस तरह से और देखिए यहाँ पे दिखा भी रखा है ना दिस इज़ वाटर ये पानी में पूरा चल रहा है और देन टैटपोल फ्रॉग से एडल्ट फ्रॉग ये आपका लैंड पेस की लाइफ रहती है एवरी ईयर मार्च ट्वेंटी को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड फ्रॉग डे यहाँ पे ये जो टेल लेस एम्फबिन्स हैं इनको इनका एग्जिस्टेंस सेलिब्रेट करने के लिए इस दिन को शुरू किया था 2009 से ऑब्जर्व करना और मेन एम किसी भी दिन इस तरह के दिन जो हम सेलिब्रेट करते हैं ऑब्जर्व करते हैं उनका मेन एम यही रहता है अवेयरनेस देना लोगों को फ्रॉग्स की स्पीशीज़ के बारे में और उनको हमको प्रोटेक्ट करना है सिक्स थाउजेंड स्पीशीज़ हैं फ्रॉक के अक्रॉस द वर्ल्ड तो बहुत ही डाइवर्स एनिमल है बहुत सारे स्पीशीज़ हैं इसके वेरियस पार्ट ऑफ ग्लोब में फैले हुए हैं इतना ज़्यादा है डाइवर्स इनका है, 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 है इनके दो और ग्रुप भी हैं जिनके साथ ये इजीली रिलेट हम इनको कर सकते हैं दैट uh, वैसे या इनका नंबर इतना ज़्यादा है कि सालामडर्स और सिसिलियंस को ये आउट नंबर कर सकते हैं और फ्रॉक्स बहुत ज़्यादा अडाप्टबल होते हैं अगर आप इनकी नेचर देखें इसलिए ये डेजर्ट्स में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत हाई ऑल्टीट्यूड हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में कोस्टल एरियाज़ में एंटार्टिका को छोड़ के बाकी हर जगह आप मान लीजिए फ्रॉक्स ज़रूर प्रेजेंट होते हैं दैट मीन्स दे आर वेरी अडाप्टेबल तो देखिए रिसर्च का ये भी पॉइंट आता है कि फ्रॉक्स की मशीनरी में जो उनकी बॉडी है ऐसी क्या चीज है किस तरह के मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं जो उनको इतने अडेप्टेबल बनाते हैं राइट डेफिनेटली इस पर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स होंगे बट यू शुड नो इट्स अ वेरी एनिमल लार्जेस्ट फ्रॉग डिस्कवर जो अर्थ पे आज तक हुआ है वो गोलियत फ्रॉग है जिसका जो मेजर करते हैं तो थर्टीन पॉइंट फाइव इंचज लॉन्ग है और स्मॉलेस्ट फ्रॉग गोल्ड फ्रॉग है इतना छोटा है जीरो पॉइंट थ्री नाइन इंचज लॉन्ग है अब फ्रॉग पानी को अपनी स्किन से भी एब्जॉर्ब करते हैं तो मोस्टली जितने एम्फिब हैं दे बिगिन देयर लाइफ इन वाटर क्योंकि अपने एम्फिब तभी होते हैं बिकॉज दे लिव देव बोथ लैंड एंड वाटर तो यूजुअली इनकी लाइफ वाटर से शुरू होती है एज एग्स एंड देन दे शिफ्ट टू लैंड वंस दे ग्रो अप और फ्रॉग्स पानी अपनी स्किन से एब्जॉर्ब करते हैं इनके यहाँ पे एक ड्रिंकिंग पैच होता है इनकी बेली पे पेट वाले एरिया में अंडरसाइड देयर थाइस जहाँ से ये पानी एब्जॉर्ब करते हैं ये अपनी स्किन को बहुत क्लीन और मॉइस्ट रखते हैं ऑल द टाइम और एक स्टिकी म्यूकस अब ड्यूज़ करते हैं अपनी स्किन को ड्राई नहीं होने देते दे कैन जंप ट्वेंटी टाइम्स देयर बॉडी लेंथ सो जितने इनकी बॉडी की लेंथ है उससे बीस टाइम ज़्यादा ये जंप कर सकते हैं तो ये फ्रॉग्स की एबिलिटी है दे कैन टेक अ लीप और इस एबिलिटी को आपने बहुत ज़्यादा ईजिली देखा भी होगा जब भी आपने फ्रॉग्स को देखा है हर जो हर फ्रॉक के लिए दिस इज़ नॉट नेसेसरी ट्वेंटी टाइम्स बट यू कैन रिलेट दैट दे कैन जंप अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा लंबा जंप ले सकते हैं कुछ फ्रॉक की स्पीशीज ऐसी भी हैं सबके सब जंप नहीं करते जो जिनकी लेग्स शॉर्ट होंगी तो वो क्रॉल ही करते हैं और हॉप करेंगे छोटे छोटे डिस्टेंसेज पे कुछ फ्रॉग्स आपके पॉइजनस भी हैं यहाँ तो पे मैं आपको डाइवर्सिटी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि फ्रॉग्स में ही बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है पॉइजन डार्ट्स इनकी जो स्किन है ये बहुत टॉक्सिक होती है जहरीली होती है एक और स्पीशीज़ है जिसको गोल्डन पॉइजन फ्रॉक कहा जाता है ये दस ग्रोन मैन एडल्ट मैन को मार सकता है मेकिंग द मोस्ट टॉक्सिक एनिमल्स ऑन द अर्थ तो फ्रॉग्स में डाइवर्सिटी है इतना अच्छे दिखने वाले फ्रॉग्स हार्मलेस दिखने वाले फ्रॉग्स टॉक्सिक भी होते हैं इनके कुछ स्पीशीज़ नॉट ऑल फ्रॉग्स टोटल हंड्रेड पॉइजन डार्ट फ्रॉग स्पीशीज़ हैं अगर ये जो पॉइजनस फ्रॉक्स की बात करें तो टोटल हंड्रेड इस तरह की स्पीशीज़ हैं अप टू वन इंच इन लेंथ इनकी अगर साइज आप देखेंगे वन इंच इन लेंथ होता है नेशनल जोग्राफिक की माने तो so, क्या चीज़ इनको पॉइजनस बनाती है ये हम अभी तक नहीं जानते बट प्रॉब्ली ये अपना जो जहर है प्लांट से कलेक्ट करते हैं या प्रेज जिन पे ये फीड करते हैं उनसे कलेक्ट करते हैं और कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस से उसको पॉइजनस बनाते हैं सी दिस इज़ अगेन एन अनएक्सप्लोर्ड एरिया जिसमें रिसर्च हो सकती है कि जो पॉइजनस फ्रॉग्स हैं वो क्यों पॉइजनस हैं वो पॉइजन कहाँ से आता है तो पॉइजन डाट फ्रॉग्स आपको बहुत अलग अलग कलर्स uh, में दिखेंगे ब्राइट कलर्स में येलो ऑरेंज रेड ग्रीन ब्लूज और डिफरेंट uh, प्लेसेस में मिलेंगे सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में यूजुअली ये रहते हैं तो यही आज हमने फ्रॉक पे बात की कहानी आपकी शुरू हुई थी कि एक डेली के रिसर्चर है जिन्होंने सोनाली गर्ग फिफ्टी फ्रॉक के स्पीशीज को ढूंढा जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्वेश्चन है विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्ट्स द आइज ऑफ द फ्रॉग इन वाटर तो अब फ्रॉग के बारे में जनरली आप यहाँ पे नॉलेज रखिए क्योंकि इस पर सवाल आ सकता है बींग एम निकटेटिंग डिक्टेटिंग टिम्पानम बिडल कैनाल क्लोएका तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं टेलीग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए कोर्सेज ई एम आई पर भी अवेलेबल हैं थैंक यू सो मच